हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो स्लाइड वाला डोर या विंडो होता है उसका जो ट्रैक है उसको इजीली कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये है बिफोर क्लीनिंग, आफ्टर क्लीनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए क्लीनिंग के बाद कितना अच्छा से चमक गया है। आप घर पर बहुत ही ईजिली बिना पैसा खर्च के इसे क्लीन कर सकते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक रिजेक्टेड टूथब्रश लेके इस तरह से इसके अंदर डाल के सारा डस्ट को इकट्ठा करेंगे। मेरा जो ये टूथब्रश है ना, टूथब्रश का हेड थोड़ा सा इस ट्रैक से बड़ा है, इसलिए टूथब्रश अच्छा से इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने लिया है एक मेहंदी लगाने वाला ब्रश। आपके पास कोई पेंटिंग करने वाला ब्रश या मेहंदी लगाने वाला ब्रश जो भी है जो ईजिली इसके अंदर जा सके, ऐसे एक ब्रश ले लीजिए और इसको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जितने डस्ट है सारे को इकट्ठा करके बीच में देना है। ये देखिए मैं सारा को लेफ्ट से भी डस्ट को इकट्ठा कर रही हूँ, जैसे लोग झाड़ू लगाते हैं ना ऐसे इकट्ठा करना है। इसके अंदर एक ना स्टिक था तो उसको मैंने निकाल दिया है और लेफ्ट से राइट से सारे डस्ट को इकट्ठा करके बीच में रखना है। इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सारे को इकट्ठा करके सारे ट्रैक से एक इस तरह से खींच खींच के सारे डस्ट को इकट्ठा बीच में कर देना है। यहाँ पर भी एक पतला सा कुछ था। अब मैंने लिया है एक न्यूज़पेपर, इसे छोटा सा काट लिए हैं और न्यूज़पेपर को इस तरह से बीच में इस तरह से जो ट्रैक का जो सरफेस है ना, सरफेस में इस तरह से इसका पीछे वाला पोर्शन देखिए इसे एडजस्ट कर देंगे, एकदम सरफेस के साथ ये अच्छे से अटैच हो जाए। अभी जो डस्ट है ना, डस्ट को इस तरह से खींच के इसके अंदर डाल देंगे तो क्या है, सारा डस्ट बहुत अच्छे से इसमें यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए कितना सारा डस्ट इकट्ठा आ गया है। इस तरह से सारे डस्ट को निकाल लेंगे, सारे ट्रैक में इसे धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसका सरफेस के साथ एडजस्ट करना है, नहीं तो फिर डस्ट आपका नीचे ही रह जाएगा। अच्छा से इसका पीछे पोर्शन देखे, आप स्पून भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी पतला सा हो उसी को देखे। देख रहे हैं कितना सारा डस्ट निकला है, सारा डस्ट आप निकाल लेते हैं हम इस तरह से। अब ये सब क्लीन करने के लिए ना आपको ऑनलाइन बहुत सारा किट मिल जाता है, लेकिन मैं अपने से ही करती हूँ क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी मुझे सबसे अच्छा लगता है। देखिए सारा डस्ट को मैंने निकाल लिया है। अब मैं बनाऊंगी एक DIY क्लीनर। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 लेमन का जूस पूरा। आप लेमन नहीं है तो आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, विनीगर सबके पास नहीं होता है इसलिए मैंने लेमन दिया है। और इसमें मैंने डाला है और जो डाइल्यूटेड भीम लिक्विड, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, भीम लिक्विड डाइल्यूटेड है इसलिए पानी नहीं ऐड किया है। बस DIY क्लीनर मेरा बनके एकदम रेडी है। ये मेरा किचन का विंडो है तो इसमें स्टिकीनेस थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि मेरा बगल में जस्ट गैस ओवन है और हम लोग फिश लवर है, फिश अगर खाओ ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्टिकीनेस हो जाता है किचन में, तो इसके नीचे ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली स्टिकीनेस ज़्यादा है। इसलिए ये जो DIY है इस ब्रश के थ्रू मैंने इस पूरा ट्रैक में अच्छा से लगा देंगे और इसको लगाने के बाद 5 मिनट थोड़ा आपको छोड़ना है, अपन नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। देखिए मैंने जस्ट अभी अभी लगाया और तुरंत देखिए कितना इसका जो स्टील वाला कलर है ना तुरंत दिखने लगा, आपको दिख रहा होगा। मैं खुद शूट कर रही हूँ और खुद काम कर रही हूँ बोल के आपको जूम करके नहीं दिखा पा रही हूँ। अगर कोई और वीडियो शूट करते थे ना आपको जूम करके दिखाते तो आपको ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा से इसका जो कलर है तुरंत पता चल रहा है, नीचे का जो स्टील वाला कलर है मुझे तो अभी दिख रहा है एडिटिंग के टाइम में। तो इस तरह से लगा देना है और ये जो कैसे आप इसको ड्राई करेंगे और गंदगी इसको कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आगे आपको तुरंत बताती हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया है फिर वही न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो सबके घर में इजीली मिल जाता है। न्यूज़पेपर को इस तरह से टुकड़ा करके हर ट्रक के अंदर ऐसे डाल देंगे और ये ब्रश का जो पीछे वाला पोर्शन है उसी को देखिए इस तरह से इसको घिसते जाएंगे। तो क्या है, इसके घिसेंगे तो इसका जो गंदगी है इस न्यूज़पेपर में एकदम स्टिक हो जाएगा, गंदगी भी निकल जाएगा, प्लस ये जो मैंने DIY डाला है जिसकी वजह से ये लिक्विड हो गया वो सारा लिक्विड को ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका लिक्विड भी ड्राई होने लगेगा प्लस गंदगी
जिंदगी भी निकल जाएगा, है ना कितना इजी वीजी प्रोसेस। अरे जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक आपको जानना चाहिए, छोटा छोटा हैक्स आपको पता होना चाहिए, बस बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। ये किचन का है बोल के मैं थोड़ा सा स्टील का ब्रश देके इसको घिस दे रही हूँ, जो एकदम चमक जाए, एकदम न्यू जैसे बन जाए। ऐसे बिना ब्रश का भी ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। इस तरह से अब आपका कोई भी डोर का जो ट्रैक वगैरह होता है, सारी चीज़ को बहुत ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर डाल डाल के हार्ड ट्रैक में थोड़ा थोड़ा करके डाल के और इस तरह से घिस देंगे तो ये बहुत इजीली ड्राई भी हो जाएगा, सारा लिक्विड भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस डस्ट भी निकल जाएगा। आपको कैसा लगा ये मेरा क्लीनिंग प्रोसेस, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल में और भी मैंने बहुत इजी क्लीनिंग प्रोसेस शेयर करूँगी, बहुत सारे हैक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा एक बेसिकली एक कुकिंग चैनल है, तो कुकिंग में बहुत अच्छा इजी कुकिंग प्रोसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस चैनल को। तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। ये देखिए आफ्टर क्लीनिंग कैसा लग रहा है, और बिफोर क्लीनिंग का स्क्रीन मैंने आपको नीचे लगा दिया है, आप देख सकते हैं खुद ही डिफरेंस कितना है। और ना मुझे कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ा, ना कुछ, सारा घर का सामान है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।